तो वेलकम बैक टू न्यू सब्सक्राइबर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कट एप्लीकेशन की मदद से सॉन्ग लिरिक्स वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप से बताने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहां पर करना क्या होगा, आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आप लोगों को इसमें एक वीपीएन को कनेक्ट कर लेना। अगर आप लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है, मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर अपने वीपीएन को कनेक्ट कर लिया है। एंड देन उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद अब न्यू प्रोजेक्ट वाले आइकन पर क्लिक करना, एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक वीडियोस पर क्लिक कर लेना। एंड देन आपके सामने कुछ स्टेप्स यहाँ पर स्टॉक वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन का एक इमेज आपको देखने को मिलेगा, तो आपको क्लिक करना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसको ऐड कर देना। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो, हमारा यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन का कुछ स्टेप्स यहाँ पर एक इमेज ऐड हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन का एक वाटरमार्क भी देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट आप लोगों को कर देना। एंड उसके बाद आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन इमेज पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद इसकी लेंथ को आपको बढ़ा लेना, ठीक है। इसकी लेंथ को आपको इतना कर लेना जितना बड़ा आप अपनी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो समथिंग अभी के टाइम पे मैं इसकी लेंथ को यहां पर 14 या 50 सेकंड तक यहां पर रख लेता हूं। एंड देन उसके बाद आप लोगों को स्टार्टिंग में आना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आने के बाद अब आप लोगों को यहां पर अपनी ऑडियो को ऐड कर लेना, जिस भी ऑडियो के ऊपर आप लोग अपनी लिरिक्स वीडियो यहां पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से सबसे पहले तो ऑडियो ऐड कर लेता हूं। तो ऑडियो ऐड करने के लिए यहां पर आप लोगों को ऐड ऑडियो पर क्लिक करना, एंड देन उसके बाद आप लोगों को एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं एक वीडियो में से ही ऑडियो निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस वीडियो को यहां पर सेलेक्ट कर देता हूं। एंड देन उसके बाद आप लोगों को इंपोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक कर लेना। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो, हमारा यहां पर ऑडियो कुछ इस टाइप से निकल जाएगा, एंड देन हमारा ऑडियो यहां पर ऐड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब आप लोगों को जहां जहां पर भी हमारी लिरिक्स आएंगी उसी के हिसाब से आप लोगों को यहां पर अपने साउंड के अंदर आप लोगों को बीट मार्क लगा देने होंगे, ठीक है। तो बीट मार्क लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऑडियो की लेयर पर क्लिक करना, एंड देन उसके बाद आप लोगों को नीचे की साइड काफी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मैच कट का, ठीक है गाइस। आप लोगों को मैच कट का एक ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जहां जहां पर भी आप लोगों की बीट आ रखी होगी, या मतलब जहां पर भी आपकी लिरिक्स वगैरह जहां जहां से स्टार्ट हो रही है, एंड देन जहां जहां पर खत्म हो रही है, उसी के हिसाब से आप लोगों को यहां पर बीट मार्क लगा देने होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से यहां पर बीट मार्क लगा देता हूं। जैसा कि समथिंग हमारी जो फर्स्ट लिरिक्स है वो समथिंग गाइस यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं एक बीट मार्क गाइस यहां पर लगा देता हूं। एंड देन उसके बाद जो हमारी सेकंड बीट मार्क, जो हमारी सेकंड लिरिक्स स्टार्ट होगी, वो सेकंड लिरिक्स हमारी समथिंग गाइस यहां से होगी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैं ऐड बीट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि देखते हो, हमारी यहाँ पर इस टाइप से बीट लग जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐड बीट पर क्लिक कर लेना। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ जहाँ पर हमारे साउंड के अंदर बीट आ रखी थी, मैंने बीट मार्क लगा दिए हैं। एंड देन उसके बाद आप लोगों को राइट पर क्लिक कर लेना, ठीक है। उसी तो इसी के हिसाब से गाइस अब हम करने के हवाले यहाँ पर लिरिक्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो लिरिक्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्टली बैक आना होगा। एंड बैक आने के बाद आप लोगों को नीचे की साइड काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट का। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना, एंड देन उसके बाद ऐड टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी आप लोगों की यहाँ पर फर्स्ट लिरिक्स है, आप लोगों को अपनी फर्स्ट लिरिक्स यहाँ पर लिख लेनी होगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट लिरिक्स है उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो फाइनली गाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो हमारी फर्स्ट लिरिक्स थी मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। एंड देन लिखने के बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब यहाँ पर आपको बैक करना होगा। एंड बैक करने के बाद देख सकते हो आपको नीचे की साइड काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर फॉन्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लोगों को कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आप लोग इनमें से फॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं, आप लोग किसी भी फॉन्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो आपको कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर आप लोगों को फॉन्ट भी
देखने को मिल जाते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं समथिंग यहाँ पर इसमें कोई एक फॉन्ट को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, समथिंग ये वाला फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि देखने में काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है। ठीक है, तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर ये फॉन्ट ऐड हो चुका है हमारे लिरिक्स के अंदर एंड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टाइल, तो आपको स्टाइल पर क्लिक कर लेना एंड देन अगर आप इसका कलर वलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इसका कलर वलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको इफेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई इफेक्ट वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं तो इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको लास्ट में देखने को मिलेगा एनिमेशन, तो आपको डायरेक्टली एनिमेशन पे आना होगा एंड एनिमेशन में आपको देखने को मिलेगा इन, तो आपको इन में आ जाना होगा। ठीक है, इन में आने के बाद अगर आप इसमें एनिमेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं इस टाइप से, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो आपके जो लिरिक्स आएंगे वो कुछ इस टाइप से आएंगे फर्स्ट में, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो इनमें से गाइस आप लोग यहाँ पर एनिमेशन वगैरह भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में जो मैं एनिमेशन यूज़ करने वाला हूँ ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद आप लोगों को आउट पर क्लिक करना एंड देन आउट पर क्लिक करने के बाद इसमें भी आप लोगों को ये फर्स्ट वाला ऐड कर लेना। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एनिमेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तो इसको आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेना इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये ऐड हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर लेना। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो हमारी लिरिक्स के अंदर यहाँ पर एनिमेशन वगैरह सब कुछ ऐड हो चुके हैं एंड उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, अब जहाँ पर हमारी बीट आ रखी है समथिंग हमारा साउंड यहाँ पर आ रखा है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी मतलब लिरिक्स खत्म हो रही है वहाँ तक आपको उसको लेके जाना होगा इस टाइप से। ठीक है, ये देख सकते हो हमारी फर्स्ट लिरिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो हमारी सेकंड लिरिक्स है वो समथिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड देन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां पर करना क्या होगा, अब आप लोगों को सबसे पहले जो ये लिरिक्स है ना आपको इस लिरिक्स पर क्लिक कर लेना एंड देन आप लोगों को नीचे की साइड एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कॉपी का, तो आपको कॉपी पर क्लिक कर लेना। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कॉपी यहां पर कुछ स्टेप से हमारी जो टेक्स्ट है वो कुछ स्टेप से कॉपी हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप लोगों को नीचे की साइड इसको आप लोगों को कुछ स्टेप से आप लोगों को ऐड कर देना। ठीक है, अब ऐड करने के बाद जहाँ तक हमारी लिरिक्स है वहाँ तक आप उसको लेके चले जाना एंड देन जहाँ पर ख़त्म हो रही है इसको कुछ स्टेप से आप लोगों को छोटा कर लेना। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, अब ये सेम तो हमारी ये जो हमने स्टार्टिंग में लिरिक्स लिखी थी वही इसमें आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से आपको करना होगा एंड देन जो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा हुआ था इसको हटा के यहाँ पर जो हमारी सेकंड लिरिक्स है आप लोगों को अपनी सेकंड लिरिक्स को आपको लिख लेना। ठीक है, तो चलिए जो भी हमारी यहाँ पर सेकंड लिरिक्स है मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो फाइनली गाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जो हमारी सेकंड लिरिक्स थी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुछ इस टाइप से, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो हमारी सेकंड लिरिक्स कुछ इस टाइप से आएगी जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव लग रही है। आगे खिसका के लेके जाना होगा एंड आगे खिसका लेने के बाद देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से हमारी यहाँ पर लिरिक्स आ जाएगी। उसके बाद आपको स्टाइल पर क्लिक करना एंड देन इसको यहाँ से रिमूव कर लेना एंड देन आपकी जो फोर्थ लिरिक्स है आप लोगों को उसको यहाँ पर टाइप कर देना। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो हमारी फोर्थ लिरिक्स है मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो मैंने यहाँ पर फोर्थ लिरिक्स को भी यहाँ पर लिख दिया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना एंड देन उसके बाद इसको भी यहाँ पर आप लोगों को कॉपी पर क्लिक करना एंड देन कॉपी पर क्लिक करने के बाद इसको आपको आगे लेके चले जाना एंड देन आगे लेके जाने के बाद आप लोगों को इस पर इसकी लेयर पर आपको क्लिक करने के बाद इसको आगे आपको लास्ट तक कर लेना जहाँ तक हमारा मतलब जहाँ तक हमारी लिरिक्स है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना एंड देन स्टाइल पर क्लिक करना एंड उसके बाद जो इसमें लिरिक्स वगैरह लिखनी है आप लोगों को इसको जो इसमें लिखी हुई थी आप लोगों को इसको रिमूव कर लेना एंड जो आपको लिखना है वो आप लोगों को यहां पर लिख देना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी के टाइम पे यहां पर लिख देता हूं शदिया, मैं अपनी लिरिक्स को यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ गाइज। तो फाइनली गाइज आप अपनी स्क्रीन पर देखते हो मैंने यहाँ पर अपनी लिरिक्स को लिख दिया है इसी टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखने के बाद अब आप लोगों को सारी लिरिक्स को यहाँ पर इसी टाइप से आप लोगों को लिख लेना होगा। ठीक है, इसी टाइप से जो जैसा जैसे मैंने आपको बताया है ना आपको सेम ऐसे ही अपनी लिरिक्स को यहाँ पर लिख लेना एंड देन अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब आप लोगों को इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को सेव करने के लिए अब आप लोगों को करना क्या होगा, अभी हम इसमें ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आप को यहां पर क्लिक करना एंड देन आपका वीडियो यहां पर एक्सपोर्ट होने लगेगा, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना। ठीक है, फाइनली गाइज आप देख सकते हो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड देन उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को सेकंड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना जो हमारा नोड वीडियो एडिटर होने वाला है। गाइज अगर आपके पास नोड वीडियो एडिटर नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर लेना एंड देन इसको यहाँ से आप लोगों को ओपन कर लेना। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने अपने नोड वीडियो
एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद अब न्यू पर क्लिक कर लेना एंड देन आपकी गैलरी यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले आपको रेशो का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप लोगों को रेशो को 16:9 के रेशो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को प्लस पर क्लिक कर लेना। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना, वीडियो पर क्लिक करना एंड देन आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जिस भी वीडियो के अंदर आप ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं आप लोगों को अपनी लिरिक्स को यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी लिरिक्स को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो हमारी लिरिक्स वीडियो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा नीचे, तो आपको प्लस पर क्लिक करना एंड देन उसके बाद आपके सामने काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को असिस्ट स्टोर पर क्लिक करना एंड देन जैसे ही आप असिस्ट स्टोर पर आएंगे तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोगों के सामने कितने इफेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब थर्ड नंबर में आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा ग्लो स्कैन, तो आप लोगों को यहाँ पर ग्लो स्कैन इफेक्ट को अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई कर देना होगा। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो आपकी लिरिक्स के अंदर यहाँ पर ग्लोइंग इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करने के लिए फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा इवोल्यूशन का, तो आपको इसकी इवोल्यूशन को आपको थोड़ा यहाँ पर माइनस कुछ स्टेप से कर लेना एंड देन उसके बाद आपको रेडियस को थोड़ा इंक्रीज कर देना एंड देन उसी के बाद आप लोगों को स्कैटरिंग मिलेगा, तो स्कैटरिंग को आपको थोड़ा यहाँ पर प्लस कर देना, ठीक है। एंड देन उसी के बाद आपको इंटेंसिटी मिलेगा, तो इंटेंसिटी को भी आपको थोड़ा यहाँ पर प्लस कर देना, ठीक है। इतना 1.1 के समथिंग आपको उसको रख लेना एंड देन उसके बाद आपको ग्लो कलर मिलेगा। तो आप लोग अगर इसमें कोई और कलर वगैरह ऐड करना चाहते हैं इसी टाइप से तो आप लोग इसमें कोई और कलर भी आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी के टाइम पे मैं समथिंग यहां पर ये वाला इसमें कलर अप्लाई कर देता हूं एंड देन उसके बाद यहां पर बैक आ जाता हूं, ठीक है। बैक आने के बाद अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब नीचे की साइड आप लोगों को फिर से एक प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, तो आपको प्लस पर क्लिक करना एंड देन उसी के बाद आप लोगों को एसिट स्टोर पर क्लिक करना। तो जैसे आप एसिट स्टोर पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने फिर से यहां पर काफी इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों को एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा रेन ड्रॉप्स का, तो आप लोगों को अपनी लिरिक्स वीडियो के अंदर रेन ड्रॉप्स इफेक्ट ऐड कर देना होगा। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो आपकी लिरिक्स वीडियो के अंदर ये रेन ड्रॉप्स इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब आप लोगों को सेकंड में देखने को मिलेगा ब्लर, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस ब्लर को आपको 0.0 यहाँ पर 0 कर लेना। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हो अब हमारी लिरिक्स के अंदर कोई भी ब्लर यहाँ पर नहीं आ रहा है एंड देन हमारी लिरिक्स के अंदर यहाँ पर रेन ड्रॉप्स भी ऐड हो चुका है एंड देन उसी के बाद यहाँ पर ग्लोइंग इफेक्ट भी ऐड हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है। तो इस टाइप से गाइज आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर इसी टाइप से यहाँ पर ग्लोइंग इफेक्ट डाल सकते हैं एंड देन उसी के बाद आप रेन ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। तो फाइनली वीडियो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसी वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहां से आप लोगों को इस वाले आइकन पर क्लिक करना एंड देन जो ये ग्रीन ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना वीडियो वाला आइकन, तो आपको इस पर क्लिक करना एंड देन आपका वीडियो यहां पर एक्सपोर्ट होने लगेगा, तो आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करना था, मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।